बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो आप सभी बने रहिए। आप सभी को लगता है ना कि ठीक है मुझे दिखाना चाहिए कि मैं कहाँ, मेरा कहाँ ससुराल है, तो यस मैं आई हूँ ससुराल में। बहुत सारे मेंबर हैं, हाँ, तो इन्हीं सब से आप सभी को मिलवाऊंगी, तो एंड तक बने रहिए। वो देखो ना कैसे अब आएगी किधर, फाइनली किसके पास आएगी। दादी 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 यहाँ पे चाचा जी खाना खा रहे हैं और अभी बात चल रही थी उनकी। 5 से 10 हज़ार हो जाएंगे। 5 से 10 सब्सक्राइबर से सबके इसमें कर रहा है। अच्छा फ्लेवर मुझे ये देखो बाबू को ये छोटी भाभी और बड़ी भाभी अभी आ रही है। तो हम अभी आए हैं माता रानी के दर्शन करने। कतेक सुंदर छथिन ना, कतेक सुंदर छथिन। अच्छा और ये हैं बड़ी भाभी। बड़ी भाभी हेलो, आप शादी में भी आए थे है ना। हाँ यहाँ पे कंप्लीट और अब हम चल रहे हैं घर। और चाची जी को फ्रेंड मिल गई है अपनी है ना भाभी। हाँ यहाँ पे हम आए हैं लैठी पसंद करने है ना भाभी। हाँ। भाभी एकदम ही शर्मा जाते हैं। अरे और यहाँ पे भी आके इन रोटी खानी है ना। हाँ, रोटी इसको सब्जी से पसंद है, जो पसंद है वही ना खाएगा। क्यों चाची जी। हाँ, ये इतना सा था तब रोटी पसंद करता था। हाँ। और जो जिसको पसंद होता है वो बचपन से लेके लाइफ ना अच्छा लगता है। क्या कह रहे हो। बचपन से देखा नहीं, हम ब्रेड लेके आते थे, हमें याद है कि हम ब्रेड लेके आते थे, तो ये कहता था कि नहीं, तब भी खुल के तो बोलते नहीं थे।
तो फिर उसके बाद भी आटा सानती थी मम्मी हमका कि तो हमें थोड़ी तकलीफ हुई कि बताओ रोटी नहीं खाएगा तो ब्रेड खा ले, ब्रेड नहीं खाएगा तो हमें बताती, क्योंकि वहाँ पर भी एक संगीता नाम की थी जो बना देती थी। अच्छा हाँ, तो वो खुद बनाती थी लेकिन मम्मी। अच्छा हाँ, और उनसे भी छुपा नहीं जाता था उसी टाइम से, वीडियो है मेरे पास, तो वो परात को ऐसे छोड़ देती थी इतना साटा मिलाती थी और परात को छोड़ देती थी और जनरली रोटी सब लोग कभी साथ में, और बच्चे तो खास कर रोटी कभी खाते हाँ, लेकिन इनका ऑपोजिट रहा है लेकिन ये रोटी शुरू ये चावल ज्यादा रोटी ही खाओ। अच्छा, लास्ट विजिट बढ़िया से मतलब उसी बार हमारी हुई, उसके बाद हमारी उतनी अच्छी मुलाकात फिर कभी नहीं। इसीलिए जन्म जब तुम्हारा हुआ था तो मेरी बहन के बेटे का भी जन्म था उसी दिन से 12 मई को हुआ था, आज से 2003 में 12 मई को तुम्हारा जन्म हुआ था, तो हम उधर नहीं गए, हम कहा कि नहीं हम इधर ही जाएंगे। खुद किराया होगा। चलो मम्मी मम्मी लेके गई, मम्मी से लेके आते हैं। आ जा भी। चलो उसकी नींद आ गई। भाभी कहाँ है? भाभी लगी हुई है। चाची जी एक बार और, मामी देखेंगे। इनकी मामी ना कोई आया नहीं कि बस 10 तरह की पकौड़ी, परवल के पकौड़ी, आलू के पकौड़ी और जाने क्या क्या पकौड़ियाँ, अच्छा तुरंत खा लेंगे और देखने में सुंदर है, पकौड़ी भी बड़ी सुंदर है, सजाती भी बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है। और एक बार जो ब्लॉग देखा था, बहुत पहले का ब्लॉग रहा होगा, उनकी मामी का बर्थडे था, तो उनकी मामी ने क्या बोला था, बोले इनको याद भी नहीं होगा, हो सकता है जियो हजारों साल आशा उससे झगड़ा कर तो जबकि बाकी ब्लॉग में ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखता है, तो हमने लगा कि ऐसा सेंटेंस सुनने क्यों नहीं पाता। अरे देखो ये क्या होता है ना, एक बन गई है, अवधारणा बनी हुई है कि सास बहू है तो लड़ाई नहीं, ये चीज कॉमन है। आप भी आ जाओ। हाँ, आप भी आ जाओ साथ ही। रोटी हो गए और कौन खाएगा? हम दोनों तो फलाहार करोगे ना? आप फलाहार करोगे? कुछ नहीं खाने का मन है और हमसे भी निकला भी नहीं जाएगा, ये भी जान लो। क्यों? पता नहीं क्यों, ये 4 बजे से पहले कुछ नहीं खाती। अच्छा, भाभी भी लेके आती हैं तो मैं बैठती हूँ। हाँ सच में, ये देखिए आपके झाजी को आलू की भुजिया अच्छी लगती है तो इनके लिए आलू की भुजिया बनाई गई है ना? अब आलू की भुजिया फेमस हो रही है आपके नाम पे। आलू से सोना ऑलरेडी बन ही रहा है। रेडी है निकलने के लिए? क्यों भाभी, सही कहा ना? विदा लेने का टाइम आ गया। नहीं, फिर से मिलेंगे। हाँ, फिर से जल्दी संडे मिलने वाले हैं हम, फिर से है ना भाभी? संडे मिलने वाले हैं हम, और वो भी धमाकेदार व्लॉग आने वाला है। भाभी भी वहाँ खड़े, तो ठीक है, बाय।
है।